अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल अल्फ़ा साइंस एकेडमी। आज हम ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी के में सबसे पहले तो ये बात है कि बायोलॉजी डिवाइडेड कितनी टाइप्स के ब्रांचेज में है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रांचेज, वन इज कॉल्ड एज फंडामेंटल ब्रांचेज, अदर वन इज कॉल्ड एज जनरल ब्रांचेज। तो सबसे पहले फंडामेंटल ब्रांचेज देखते हैं। फंडामेंटल ब्रांचेज दो हैं जो कॉमन है सबसे ज़्यादा, बॉटनी एंड जोलॉजी। बॉटनी क्या होती है? स्टडी ऑफ प्लांट्स। और जोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ एनिमल्स। नेक्स्ट अब हम देखते हैं जनरल ब्रांचेज क्या होती हैं। स्टूडेंट, जनरल ब्रांचेज की भी दो टाइप्स हैं आगे से, क्लासिकल ब्रांचेज और मॉडर्न ब्रांचेज। इस वीडियो के अंदर हम क्लासिकल ब्रांचेज के बारे में स्टडी करेंगे और मॉडर्न ब्रांचेज की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, जहाँ से आप मॉडर्न ब्रांचेज की वीडियो को भी देख सकेंगे। तो क्लासिकल ब्रांचेज में सबसे पहले आ जाते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या है? इट इज़ द रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद एनवायरनमेंट। वो कैसे इंटरेक्ट करता है एनवायरनमेंट के साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको हम इकोलॉजी के अंदर देखेंगे। सेकेंड वन इज एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी जो है ये है स्टडी ऑफ एंड डिवेलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। जैसे आप डायग्राम के अंदर भी देख रहे हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट के बारे में बताया गया है, उनकी एम्ब्रियो के बारे में बताया गया है, फिशेज की डेवलपमेंट है, ह्यूमन की डेवलपमेंट है, इन सब को जो है वो हम एम्ब्रियोलॉजी के अंदर स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ फंक्शन, फॉर एग्जांपल रिस्पायरेशन को, डाइजेशन को, सर्कुलेशन को जो स्टडी करना है, दैट इज कॉल्ड एज फिजियोलॉजी। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड एज फिजियोलॉजी। उसके बाद है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ये होती है कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखता कैसा है एक्सटर्नली, उसका फॉर्म्स, उसके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट है जी इंटरनल मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी, यानी इंटरनल स्ट्रक्चर्स का स्टडी करना। फॉर एग्जाम्पल हम हार्ट की एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हम उसको क्रॉस सेक्शन करके देखेंगे कि उसके अंदर वाल्व्स कितने पाए जाते हैं, या स्टमक की बात कर लेते हैं तो वो इंटरनली दिखता कैसे है। तो जब हम कहेंगे ये इसकी एनाटॉमी कैसी है, तो इसका मतलब होगा कि हम उसके इंटरनल स्ट्रक्चर की ही बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी होता है स्टडी ऑफ फॉसल्स। फॉसल्स स्टूडेंट्स क्या होते हैं? ऐसे स्ट्रक्चर्स जो डेड रिमेनिंग्स होती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जो कभी इस दुनिया के ऊपर हजारों साल पहले पाए जाते थे, डेट इज कॉल्ड एज पैलेंटोलॉजी। इसमें कुछ ऐसे सॉफ्ट बॉडीज होते हैं जिनके फॉसिल्स तो नहीं होते, डेड रिमेनिंग्स तो नहीं होती, लेकिन उनके इम्प्रिंट्स होते हैं। उसके बाद आ जाती है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी है स्टडी ऑफ टिश्यूज, माइक्रोस्कोपिक स्टडी है, जो टिश्यू को हम माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर देखेंगे, डेट इज कॉल्ड एज हिस्टोलॉजी। उसके बाद नेक्स्ट है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन में हम देखते हैं कि हमारी इंसेस्ट्रल हिस्ट्रीज क्या हैं। जैसे मैं एक सिंपल बात कहता हूँ कि हमारा ओरिजिन जो है वो प्रोकैरियोट्स से हुआ था, अब हम यूकैरियोट्स हैं। हम सिंपल थे, अब कॉम्प्लेक्स हैं, यूनिसेलुलर थे, मल्टीसेलुलर हुए। तो इसमें ये जो प्रोसेस है, जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है, या ऐसे हम सिंपली कह सकते हैं एवोल्यूशन का प्रोसेस है, इवॉल्व होने का प्रोसेस है, चेंज होने का जो प्रोसेस है, इसको हम स्टडी करेंगे एवोल्यूशन के अंदर। नेक्स्ट वन इज जेनेटिक्स, स्टडी ऑफ डीएनए एंड हेरिडिटरी मटेरियल्स, क्रोमोसोम के बारे में, जीन्स के बारे में, इनहेरिटेड करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ना, डैट इज कॉल्ड एज जेनेटिक्स। एंड लास्ट वन इज कॉल्ड एज जू जियोग्राफी। जू जियोग्राफी तीन वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जू मीन एनिमल, जियो मीन अर्थ, एंड ग्राफी मीन स्ट्रक्चर्स। इसमें हम ये देखते हैं कि जो अर्थ के डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके ऊपर लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से पाए जाते हैं, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उस डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी, डैट इज कॉल्ड एज जू जियोग्राफी। मॉडर्न ब्रांचेस हमारी नेक्स्ट वीडियो में मौजूद है। आप उसका डिस्क्रिप्शन लिंक जो है वो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर देख सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।